हेलो यूट्यूबर्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है यूवी और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल इनसाइड द यूनिवर्सल बाग। और आप सभी लोगों का मेरे अपने चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज भारत में ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के मुद्दे हैं जहाँ पर हर कोई इंसान बात करना चाहता है, अपने मन की बात खुल के बताना चाहता है, पर कहीं पर ना कहीं पर वो सिस्टम या कोई ऐसा सिस्टम आड़े आ जाता है जहाँ से कुछ ना कुछ अपने मन की बात रखने में कुछ ना कुछ लोग हिचकिचाते। तो दोस्तों, चलिए ऐसे ही टॉपिक पे अपन बात करते हैं जहाँ पर हर किसी इंसान की, हर लोगों की नज़र उस मुद्दे पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, पूरे देश भर में चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज देश भर में सिर्फ दो ही टॉपिक बचे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मीडिया और न्यूज़ चैनल एक दो ही मुद्दे पूरे भारत भर में टेलीकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल है, एक कंगना रनौत का और दूसरा सुशांत सिंह राजपूत का। दोस्तों, क्या है ना, आज 3 महीने के ऊपर उस लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। तो होता क्या है कि आज देखा जाए, चाहे वो कंगना रनौत हो या सुशांत सिंह राजपूत हो, तो ये पूरे ऐसे मुद्दे हैं जो देश भर में चालू है। दोस्तों, देखा जाए तो आज भारत में ऐसे अनेक प्रकार के मुद्दे हैं जहाँ पर हर कोई इंसान बात करना चाहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कंगना रनौत और सुशांत सिंह राजपूत का जो मुद्दा है वो महत्वपूर्ण नहीं। जी हाँ, महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स, बहुत सारे जो फैंस है सुशांत सिंह राजपूत के, उनसे जुड़े हो या क्या है केस है जहाँ पे आज पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अपने भारत देश की महत्वपूर्ण एजेंसी जहाँ से NCB हो गई, CBI हो गई, ED हो गई, ये तीनों एजेंसी इस प्रकार जाँच कर रही है कि जहाँ से कोई भी एक इंसान जो गलत काम कर रहा है, चाहे वो आज देखिए, आज आपने सुना होगा कि सुशांत सिंह डेथ प्रॉब में बहुत सारे ऐसे मुद्दे खुलकर बाहर आ गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है ना, जो बॉलीवुड कहते हैं ड्रग्स माफिया, तो क्या बोलूं इस बॉलीवुड के बारे में क्या बोलूं, क्योंकि ये ड्रग्स का जो कनेक्शन है वो बॉलीवुड में कम से कम 40-45 साल से चल रहा है। तो होता क्या है दोस्तों, उसकी वजह से कोई ना कोई जो स्ट्रगलर एक्टर होता है इस ऐसे मुद्दे में फंस जाता है। और वही बात सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुई। एक लड़की उसके लाइफ में आती है, ठीक है ना, एक अच्छा खासा लड़का छोटे से शहर से आसा अपना करियर बनाता है, कहीं पे ना कहीं उसके करियर पर एक फुल स्टॉप लग जाता है। किसकी वजह से? एक लड़की की वजह से। और होता है कि धीरे धीरे आप अपने करियर में बढ़ने लगते हो तो कहीं पे ना कहीं एक ब्रेक लग ही जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है, ऑन पर्सनल माई व्यू, कि आज सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में अगर बात करें तो डेफिनेटली सर, मैं सभी एजेंसियों का उनके पूर्ण कार्य को, चाहे NCB हो, CBI हो, ED हो, जैसे वो अपनी महत्वपूर्ण पूछताछ करें लोगों से उसके केस के बारे में। और आप देखते होंगे कि हर एक अलग अलग मुद्दे खोलकर बाहर आ रहे हैं और सभी लोग इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं कि भाई क्या अब तक सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस सॉल्व क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, मैं बताऊं कि आप सोच रहे होंगे कि आज ये 3 महीने हो गए हैं केस को, आज देखा जाए तो, चल माफ कीजिए, केस के बारे में नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में, ठीक है ना। आज जो जांच एजेंसियां अपने अपने हिसाब से जो जांच कर रही हैं उस, क्योंकि वो राजपूत के मर्डर केस से रिलेटिव है, ठीक है ना, रिलेटेड है, टोटली रिलेटेड है। ड्रग्स का मामला सामने आ गया, ठीक है ना। अब खाली सभी भारतवासी और सुशांत के जो जो फैंस है, मैं भी उनका एक जबरदस्त फैंस हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि उस अच्छे इंसान के साथ ये क्यों हुआ कि साले कलयुग में
अच्छे इंसान के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है ना। और ये बात सच है कि ये कलयुग में तीन पर अधर्म के ऊपर है और एक पर सत्य के ऊपर। पर दोस्तों देर है पर अंधेर नहीं, ऐसा कहा जाता है और ये बात सही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं पे ना कहीं पे आज जो केस चल रहा था, इन्वेस्टिगेट हो रहा था सीबीआई के मामले में, जो सीबीआई केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, टोटल देखा जाए तो आज अपने पूरे भारतवासियों के पूरे सपोर्ट की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मुंबई पुलिस ने जो इतने दिनों में ना किया हुआ काम, ठीक है ना, जो सीबीआई ने किया, क्योंकि बहुत एक अच्छे से कुछ ना कुछ एक लीड, एक सबूत सीबीआई को मिला हुआ है, वो भी सुशांत के केस के रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों आज की तारीख है 19 तारीख 19 सितंबर 2020। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो इन्वेस्टिगेट केस कर रही थी सीबीआई, कम से कम उन्होंने आज तक देखा जाए तो जो भी लीडिंग, जो भी लीड मिले हैं उनके, जो भी सबूत मिले उन, क्योंकि उन्होंने एक केस के रिलेटेड ऐसा कुछ ना कुछ सबूत हासिल किया है जो डेफिनेटली सुशांत के कातिलों को उनको गिरफ्तार कराएंगे, उनको जेल तक पहुंचाएंगे। और मेरी सभी लोगों से विनंती है कि उस केस को और ज्यादा सपोर्ट किया जाए। दोस्त देखिए आज की 19 तारीख है और कम से कम सीबीआई की जांच पूरे होते होते कम से कम आज उनको एक महीना पूरा हो चुका है, क्योंकि पूरे प्यारे देशवासियों के सपोर्ट की वजह से ही सुशांत केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपी गई है। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि ये केस जल्दी से जल्द अभी सॉल्व हो जाएंगी। दोस्तों ऐसे सुनने में आया है कि सुशांत की केस रिलेटेड जो भी कुछ लीड है, जो भी कुछ सबूत है, वो आने वाली 20 तारीख को 20 सितंबर को सीबीआई क्या करने वाली, मीटिंग करने वाली है एम्स के साथ और बाकी सारे एजेंसियों के साथ, कि वहां के पूरे डिक्लेयर होने जा रहा है, क्योंकि पूरे केस सॉल्व हो जाने जा रहा है। अब मेरा भी कहीं पे ना कहीं पे उस 20 तारीख के ऊपर फोकस है कि क्या होने वाला है, क्योंकि अलग अभी तक तो बहुत सारे मुद्दे सामने आ चुके हैं। अब कल की डेट में देखा जाए तो 20 सितंबर को ऐसा क्या होने वाला है कि जिससे बहुत सारे लोगों को ये अभी तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं है, वो है कि सुशांत का कातिल अभी तक कौन है, क्योंकि ये मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा ऑनेस्टली लगता है कि वो जल्द से जल्द सीबीआई, आज जिन्होंने सीबीआई, जो सीबीआई के बारे में अगर बात कहूँ तो दोस्तों कड़ी एक महीना कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने जो हासिल किया है तो 20 तारीख को टोटली एम्स के साथ हो गए हैं, बाकी सारे एजेंसियों के साथ हो गए, वो डिस्कस करके टोटली लीडिंग और कुछ सबूत सामने आने वाले मीडिया के साथ। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये केस हमें बंद नहीं करना है सर, क्योंकि जब तक सुशांत के कातिलों का पता नहीं चल जाता, उनको जेल नहीं हो जाती, ये कैंपेन अपने को ऐसे ही चलाना है। तब तक के लिए दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपके साथ लाता रहूँगा, तब तक के लिए आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों।